Hey, press the bell icon so you don't miss new video. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. आज हम दूध पाक बनाएंगे। पैन को हमने घी लगा के ग्रीस कर दिया है ताकि दूध तले में चिपक नहीं जाए। एक लीटर फुल फैट का दूध लिया है, ये पैन में डालेंगे। एक बॉईल आए तब तक दूध को गर्म कर लेंगे। दूध में एक बॉईल आ गया है, आज धीमी कर लेंगे। 1/4 टीस्पून केसर डाल देंगे ताकि दूध पाक में कलर अच्छा आ जाए। केसर डाल के 3 से 4 मिनट दूध को बॉईल करेंगे। धीमी आंच पे दूध को बॉईल करेंगे। 1 टेबलस्पून बासमती राइस को हमने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था और फिर पानी निकाल के कपड़े पे डाल के ड्राई कर लिया है। कपड़े पे डाल के हल्के हाथ से पोंछना है ताकि चावल का दाना टूट नहीं जाए। इसमें हम 1/4 टीस्पून घी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। 4 मिनट दूध को धीमी आंच पे थोड़ा रिड्यूस कर लिया है। इसके अंदर हम ये चावल डाल देंगे। चावल अगर आपको थोड़ा ज्यादा पसंद है तो 1.5 टेबलस्पून जितना ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। चावल कुक होए तब तक दूध को हम बॉईल करेंगे। मीडियम आंच रखेंगे और बीच बीच में हिलाते रहना है। साइड में जो दूध चिपक जाए उसे चम्मच से निकाल लेना है। चम्मच हमें दूध के अंदर ही रखना है ताकि दूध बाहर नहीं आ जाए, कभी हमारा ध्यान हट जाए तो। दस मिनट हमने दूध को बॉईल किया है, देख लेते हैं चावल पक गया है कि नहीं। चावल कुक हो गए हैं। चार टेबलस्पून शुगर डालेंगे। शुगर का पानी जले तब तक हमें दूध को बॉईल करना है। चावल कुक हो जाए उसके बाद ही हमें शुगर डालना है, नहीं तो उसके पहले शुगर अगर डाल देंगे तो चावल पकेगा नहीं। शुगर डालने के बाद हमने 3 मिनट मीडियम आंच पे दूध को बॉईल किया है। 1 टेबलस्पून ब्लांच बादाम की स्लाइस डालेंगे। 1 टेबलस्पून ब्लांच पिस्ता की स्लाइस डालेंगे। 1 टेबलस्पून चारोली डालेंगे। 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर डालेंगे। जायफल पाउडर डालने से दूध पाक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्यू सेकंड बॉईल करेंगे। दूध पाक रेडी है, इसे सर्विंग बाउल पे निकालेंगे।